आज हम बनाने वाले ये बहुत ही यमी मस्टर्ड सॉस टिप की रेसिपी आपने बाजार में या फिर बाजार से लाकर तो इसको बहुत बार खाया होगा, पर आज हम इसे घर पर बनाना सीखेंगे। ये सॉस टिप किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ही ज्यादा यमी लगती है। आप इसे घर पर बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए हमें एक बाउल लेना है और इसमें हमें 3 बड़े चम्मच डालना है ये ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, मतलब कि ये काली वाली सरसों हमें लेना है 3 बड़े चम्मच, और साथ ही में हमें लेना है 3 बड़े चम्मच ये पीली वाली सरसों। तो यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ एक वाली मस्टर्ड सीड से ही बना सकते हैं, काली या पीली से, पर मैं यहाँ पे दोनों डाल रही हूँ। दोनों डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें इसमें डालना है 1 कप एप्पल साइडर विनेगर, या फिर आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आपके पास, सफ़ेद सिरका या फिर एप्पल साइडर विनेगर, वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से हमें 1 कप ले लेना है और इस सरसों वाले बॉल में हमें इसको डाल देना है। इसको एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अभी हमें इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह से सोक करके रख देना है। कम से कम 10 से 12 घंटे इसको सोक होने के लिए रख दे, इस तरह से ढक कर रख देंगे हम। तो देखिए, मैंने दोनों मस्टर्ड सीड्स को सोक करके रखा था ओवरनाइट तक, और अभी आप देख सकते हैं ये दोनों मस्टर्ड सीड्स कितने अच्छे से पफ्ड हो गए हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। अब हमें इन्हें एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल देना है। आप चाहें तो इसको पीसने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या फिर विनेगर डाल लें, पर इतनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको पानी या विनेगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अभी हम 1 छोटा चम्मच सॉल्ट डाल लेंगे, नमक। इसके बाद इसमें डालना है हमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। इसके बाद हमें इसमें डालना है ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब। मेरे पास यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स थे तो मैं इसमें से 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही में हम डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां। 1/4 छोटी चम्मच हम इसमें पेपर पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच जितने हम डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच हनी, यानी कि शहद। हनी से जो मस्टर्ड सॉस की थोड़ी सी बिटरनेस होती है वो कम हो जाती है। तो आप इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल ना डालें, आप इसमें हनी ही डालें, इसी से इसका टेस्ट जो है बैलेंस होता है। अब हमें इसको ग्राइंड करना है तो उसका कवर लगा लेंगे और आइए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें ग्राइंडर जार को रुक रुक कर चलाना है, एक बार में इसको पूरा ना ग्राइंड करें। तो इसी तरह से चलाकर आप इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है और अभी हमारा मस्टर्ड सॉस बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में और इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। और जो क्वांटिटी और मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल वही फॉलो करेंगे तो आपकी मस्टर्ड सॉस भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे आप किसी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। 6 महीने से लेकर साल भर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आप भी बाजार से महंगे वाले मस्टर्ड सॉस ना लाकर घर पर ये बहुत ही ईजी और किफायती तरीके से मस्टर्ड सॉस जरूर बनाइए, और आप इसे किसी भी तरह के स्नैक्स, टैकोस, नाचोस, बर्गर, पिज्जा वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये मस्टर्ड सॉस टिप की रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।